नमस्कार जय हिंद मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन जर्नल वाइफ स्टडी पार्ट वन अकेडमी शाम के पाँच बज चुके हैं और आप जुड़ चुके हैं रोहित सर के साथ और दिन की शुरुआत कहें सप्ताह की शुरुआत कहें जहां हम लोग एन यानी रेलवे की तैयारी में आज फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखने देखो एक चीज़ समझना क्लास शुरू करने के पहले फिर से मैं आपको बताऊं कि सर ये ये टेलीग्राम चैनल जहां पर आप पीडीएफ चाहे वो रेगुलर क्लास की हो या स्पेशल क्लास की हो सारे के सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे कहा चैनल पे इसीलिए ज्वाइन जरूर करिएगा अगर पीडीएफ मिलने में आपको परेशानी हो रही है कई सारे बच्चे मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर आप पीडीएफ तो डलवा दो सबके पीडीएफ मिलते हैं आपका क्यों नहीं तो मैं हमेशा कहता हूं बच्चे दो चीजें हैं पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़ जाना कोई परेशानी तो है नहीं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम भाई हमारी आंखें थोड़ी सी खराब है लेकिन आपकी अच्छी है तो आप ज्वाइन तो कर लो नहीं क्या हो गया और यह आपकी शेड्यूल माई डियर सर शेड्यूल की बात करें तो सर सुबह साढ़े छह बजे जी के एक नजर साढ़े नौ बजे यूपी स्पेशल बजे रेलवे साइंस टॉपिक वाइज और बजे आप देखते हो रोहित सर स्पेशल में जो दद, अजब गजब सवाल जो चाहे पीसीएस लेवल के हो ये स्टूडियोज पे और अन अकेडमी पे बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस आज दोपहर ग्यारह बजे भी क्लास लगाई थी मैंने डीआरडीओ को समर्पित डीआरडीओ को समर्पित हमने लगाया था रेल ग्यारह बजे और पांच पैंतीस पे भी क्लास है बिल्कुल जुड़ना रेलवे का और दस पांच में एस एस जी के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस नौ बजे मेन चैनल रेलवे एनटीपीसी जी के ये मेरे टेलीग्राम आप जुड़ जाओ यहां पर सारा पता चल जाएगा विनय कुमार सिंह वहां भी डलता है बच्चे आप बताओ मैं डाल दू भाई हमारे टेक्निकल टीम वहां भी डालती है और ये देखो दस तारीख से बैच शुरू हुआ था आज दूस... आज दूसरी लेक्चर थी सर मजा आ गया अगर जिसने रेगुलर किया होगा तो अगर आपको भी लगता है कि मुझे भी अपने कॉन्सेप्ट बनाने हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो रोहित सर के साथ अन अकेडमी पेज जहां बिल्कुल बाबर टेन कोड यूज करके दस परसेंट का रिबेट मिलेगा डेप्थ में पढ़ेंगे आई बात समझिए कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप बाबर टेन कोड यूज कर सकते हो जिससे आपके दस का प्रॉफिट हो ठीक है चलिए सवाल नंबर वन बिल्कुल आसान सवाल कई बार पढ़ा चुके हैं द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स तारे का रंग किसका संकेत है पृथ्वी से इसकी दूरी का इसके तापमान का इसकी तीव्रता का या सूर्य से इसकी दूरी का सवाल नंबर वन बताओ क्या होगा क्या हो गया भाई इसको विनय जी अच्छा ये बताइए आपको टेलीग्राम में जुड़ने में क्या परेशानी है आप जो कह रहे हो सर नहीं डालते भाई आ जाओ जुड़ जाओ पूरे दुनिया को मिल रहा है आपको नहीं मिल रहा है बताओ ना पूरे दुनिया को मिल रहा है आपको नहीं मिल रहा है ये गलत बात है मैं तो चाहता हूं आपको भी मिले आप क्यों आप क्यों महरूम हो तारे का रंग किसका संकेत है तापमान का अच्छा जरा बताना कि अगर तारा रेड है तारे का कलर रेड है तो इसका एज क्या होगा इसका एज क्या होगा जायदा या युवा यंग स्टार होगा या ओल्ड स्टार होगा या क्या होगा जल्दी क्या होगा कहता है सर युवा अवस्था के दौरान तारा नीला होगा जो उच्च तापमान को इंगित करता है यदि तारा लाल है तो टेम्परेचर कम है तापमान कम है आई में विल बी ब्लू ड्यूरिंग यंग स्टेज इंडिकेट्स हाई टेम्परेचर युवा अवस्था के दौरान तारा नीला होगा जो तापमान को इंगित करता है यदि तारा लाल है तो तापमान कम होगा तापमान कम होगा ठीक है यही सर बदलता है आप देखोगे ड्वाप प्लानेट बॉने ग्रह फिर देखते हो ब्लैक होल फिर क्या देखते हो ब्लैक होल यहीं से हम निकलता है चंद्रशेखर लिमिट यहीं से हम देखते हैं चंद्रशेखर भी तारे का जो द्रव्यमान है टाइम्स टाइम्स होगा मैक्सिमम मैक्सिमम है क्या याद रखना क्या है मैक्सिमम है ठीक है सवाल नंबर दो हु इन्वेंटेड रॉकेट रॉकेट का आविष्कार किसने किया था रिच के गोयल एम फोस्टर रॉबर्ट गोडार्ड या जेम्स एंडरसन सवाल नंबर दो जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा सर रॉबर्ट गुडाड बच्चे रॉबर्ट ने रॉकेट का आविष्कार किया था किसने किया रॉबर्ट गुडाड ने क्या बात है क्या बात है किसका जवाब सही है बिल्कुल रॉबर्ट गुडाड का ऑप्शन सी ऑप्शन सी सिद्ध राणा अमरजीत सोनी स्वीटी गलती मारी हैोस्टर लगाई हो गलत है वो तो रॉबर्ट हचिंस गोडार्ड ने एक अमेरिकी इंजीनियर हैं प्रोफेसर हैं भौतिक वैज्ञानिक हैं आविष्कारक हैं जिन्हें दुनिया के पहले तरल ईंधन वाले रॉकेट को बनाने का श्रेय दिया जाता है बनाने का श्रेय दिया जाता है ठीक है अगर होता सर एयरप्लेन की बात करते वायुयान की बात करते तो क्या होता राइट ब्रदर्स अगर वायुयान की बात करते तो राइट ब्रदर्स की बात करते किसकी बात करते राइट ब्रदर्स की बात करते बिल्कुल याद रखना अगर वायुयान की बात करते तो गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ में जी को क्या कहा जाता है विथ रेफरेंस टू ग्रेविटी वाट इज जी कॉल्ड ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सवाल नंबर तीन रवि आपने भी दिया बिल्कुल राइट right ब्रो की बात करें सर राइट right ब्रदर्स की बात करें विलियम राइट था ना तो सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये क्या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी की वैल्यू जरा बताना जी की वैल्यू कितनी है जी की वैल्यू कितनी होगी जल्दी कहते हैं सर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसे हम सिंबल क्या है जी है एक भौतिक स्थिरांक है फिक्स फिजिकल कांस्टेंट है जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के समीकरण में दिखाई देता है यह छोटा जी से बिल्कुल अलग है छोटा जी क्या है जो गुरुत्वाकर्षण के तौर को दर्शाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण जो होगा, जो तेजी होगा होगा तेजी उसे हम दिखाएंगे जी से यानी कहता है कि ब्रह्मांड के किसी भी भाग में किसी भी कोने में किसी भी छोर में एक इकाई दूरी से अलग इकाई द्रव्यमान वाली दो वस्तुओं के बीच लगा एट्रैक्शन बल आकर्षण बल वो जी कहलाता है इस ब्रह्मांड में किसी भी बिंदु पर चाहे वो कांस्टेंट लगे जी का वैल्यू क्या होगा 6.673 पॉइंट सिक्स सेवन थ्री इंटू टेन द पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के इसका एसआई SI यूनिट है ये इसका एस SI यूनिट है बिल्कुल याद रखना यह क्या है एस SI यूनिट है कैपिटल जी का कैपिटल जी का और अगर बात करें सर स्मॉल जी की बात करें तो बड़े पैमाने पर पिंड के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मुक्त गिरावट के तहत एक पिंड द्वारा अनुभव किया गया त्वरण ये स्मॉल जी कहते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का जो मान होगा वो होगा नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका ये यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है सवाल नंबर चार द ब्लैक बॉक्स एन एयर एरोप्लेन इज ऑफ एक विमान का ब्लैक बॉक्स किस रंग का होगा येलो कलर रेड कलर ब्लैक कलर या न से कोई नहीं जल्दी नंदनी यादव जी कहां आएंगी मैं म्या कमीन आप तो इंटर कर चुकी हैं आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप प्रवेश कर चुकी हैं अब जायता लिखेंगे मैं म्या कमीन तो फिर आपको रोका जाएगा नहीं मंगेश बिल्कुल ब्लॉक नहीं हो जौनपुर वाले सर ये क्या होगा ऑरेंज कलर का होता है ब्लैक बॉक्स किस कलर का होता है ये ऑरेंज कलर का होता है बिल्कुल याद रखना येलो कलर में फंस गए बच्चे कई सारे ऑरेंज कलर और रेड कलर में कई सारे बच्चे फंसे हैं देखे हो कि नहीं देखे हो कभी कभी देखे हो ना कई बार पढ़ाए और ये ब्लैक बॉक्स पता क्या है कि एक एयरक्राफ्ट उड़ान शुरू करने से यानी प्लान टेकऑफ करने से ऑफ करने से लेकर लैंड होने तक सारा रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड इस ब्लैक बॉक्स में इंक्लूड रहता है सारा रिकॉर्ड इस ब्लैक बॉक्स में इंक्लूड रहेगा तो क्या होता है ब्लैक बॉक्स वास्तव में उष्मा प्रतिरोधी चमकीले नारंगी रंग के साथ चित्रित किए जाते हैं ताकि दुर्घटना के परिणाम स्वरूप मलबे में खोजने में आसानी हो और यह हम पता लगा सकें कि किस कारण प्लेन का दुर्घटना हुआ है प्लेन का दुर्घटना हुआ है कहां होता है ये ब्लैक बॉक्स इस जगह पे होता है इस जगह पे लोकेट होता है आई बात समझ में क्योंकि सारा रिकॉर्ड है टेकऑफ से लेकर लैंड होने तक लैंड होने तक ठीक है सवाल नंबर पांच कहता था इंदिरा गांधी अटोमिक रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है जल्दी बताओ संजय कुशवाहा जी कब आपको रिकॉर्डेड मिलता है मतलब आपको ये भी नहीं पता है कि रिकॉर्डेड है या लाइव है जरा बताओ भाई अगर मेरी टेक्निकल टीम जरा आवाज सुन रही है गुलशन कुमार को जरा ब्लॉक मार दो उसे शादी करना है शादी वादी करके यहां पढ़ने के लिए कैसे कैसे बच्चे आते हो यार बताओ तो मेट्रीमोनियल डॉट कॉम पे जाओ वहां पे ढूंढो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा स्थित है तमिलनाडु में कहा तमिलनाडु में स्थित है बिल्कुल याद रखना नाम क्या इसका इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च नाम है इसका की स्थापना उन्नीस में भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत कलपक्कम तमिलनाडु में की गई थी कलपक्कम तमिलनाडु में की गई थी तमिलनाडु में एक और कुदनकुलाम भी है कुदनकुलाम भी है बिल्कुल याद रखना क्या कुदनकुलाम भी है बिल्कुल याद रखना ठीक है विच ऑफ फॉलोइंग सेमीकंडक्टर निम्नलिखित में से कौन एक अर्धचालक है प्लास्टिक एल्यूमिनियम लकड़ी और जर्मेनियम अभी पांच पैंतीस पे आपकी रेलवे की क्लास है अकेडमी पे बिल्कुल जुड़ना फाइव थर्टी फाइव पीएम पांच बजकर पैंतीस मिनट पीएम लव यू डियर लाइक कम है तो आप लाइक नहीं करोगे तो लाइक कैसे होगा बताओ आप लोग लाइक करते नहीं हो क्लास करते हो निकल जाते हो लाइक कौन करेगा बताओ लाइक कौन करेगा देखोगे तो तो आप ही लाइक करोगे जर्मेनियम सर एक सेमी है क्या है जर्मेनियम एक सेमी है जर्मेन लकड़ी लकड़ी सेमी है भाई ये गुड कंडक्टर है ये एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का क्या ये गुड कंडक्टर है जर्मेनियम और सिलिकॉन जर्मेनियम और सिलिकॉन सेमी कंडक्टर मटेरियल जिसका यूज हम आईसी चिप में करते हैं कंप्यूटर में कहा पे कंप्यूटर में रेडियो एक्टिव सबस्टांस एलिमेंट रेडियो थर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है अल्फा बीटा गामा या ऑलऑफ दवाल नंबर सात अच्छा बताओ लकड़ी क्या है गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है देखो अभी आप लोग कई सारे कंफ्यूजन होगा उड गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है मैंने कहा गुड कंडक्टर है कई सारे बच्चे कह रहे बैड कंडक्टर है लेकिन बिल्कुल बैड है अब उड गुड कंडक्टर होगा जब गीली लकड़ी होगी जब गीली लकड़ी होगी तब क्या होगा जरा बताना जब गीली लकड़ी होगी तब जरा क्या होगा जरा बताना अब इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया दो भागों में सूखी लकड़ी सूखी लकड़ी और गीली लकड़ी गीली लकड़ी क्या है गुड कंडक्टर होगा ये बैड कंडक्टर है ये बैड कंडक्टर है बिल्कुल हाई बात समझ में इसे दो भागों में डिवाइड कर दिया ठीक है बच्चे तो रेडियोधर्मी पदार्थ किसका उत्सर्जन करता है उपरोक्त सभी यानी अल्फा बीटा गामा सबका करेगा तो रेडियोधर्मी तत्व ऐसे हैं जिनमें एक अस्थिर नाभिक होती है जब ये अल्फा बीटा और गामा को निकालते हैं अपने में से तो एक स्थिर तत्व में बदल जाते हैं और सबसे स्टेबल एलिमेंट लीड कानी सीसा को माना जाता है सीसा को माना जाता है सीसा को माना जाता है ठीक है इस तरह का विकिरण नग्न आंखों के लिए अदृश्य है यानी हम देख नहीं सकते हैं क्वेश्चन नंबर आठ वाट आर द लिंक्स बिटवीन ध्रुव पूर्णिमा एंड साइरस ध्रुव पूर्णिमा और साइरस के बीच क्या संबंध है ये भारतीय अनुसंधान रिएक्टर्स हैं ये तारे हैं प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम हैं या दे आर पावर प्लांट्स ये ऊर्जा संयंत्र हैं सवाल नंबर आठ जल्दी सवाल नंबर आठ क्या होगा बच्चे जरा जल्दी बताओ और फिर से आज जुड़ना जरूर क्योंकि हम लोग फिर से रेलवे रिलेटेड जीके देखेंगे यानी आज चौथी पांच सीरीज मैंने तैयार किया रेलवे रिलेटेड जीके क्योंकि सौ एक सौ बीस सवाल देख लोगे लगभग डेढ़ सौ सवाल तो कभी छूटेगा नहीं रेलवे जीके दे आर इंडियन रिसर्च रिसर्च रिएक्टर्स ये भारतीय अनुसंधान रिएक्टर है वारे मेरे स्टार क्या बात है ये सब क्या है भारतीय अनुसंधान रिएक्टर है सायरस तो है ना पूर्णिमा नहीं है दो नहीं है बिल्कुल देख लो कितने गलत लगाए हो कितने गलत लगाए हो देखो सर सायरस जो रिएक्टर है सायरस रिएक्टर को 10 जुलाई 1960 को कमीशन किया गया था यानी क्या किया गया था दिखाया गया था निकाला गया था इसे डॉक्टर होमी जहांगीर भाबा के नेतृत्व में कनाडा के सहयोग से बनाया गया था कनाडा के सहयोग से बनाया गया था तो ये तो साइरस है लेकिन अगर बात करें हम ध्रुव की बात करें तो उन्नीस सौ सत्तर के दशक में शुरुआत में रेडियो आइसोटोप की मांग बढ़ी और इस मांग को पूरा करने के लिए बार्क यानी भाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने एक शोध से शोध रिएक्टर की स्थापना की गई जिसे डॉक्टर ज्ञानी जायल सिंह ने नया नाम दिया ध्रुव क्या नाम दिया ध्रुव नाम दिया ठीक है तो ईसानित जी आपको वहां जुड़ने में क्या प्रॉब्लम है बताओ कुछ क्या करना है लर्निंग है तो डाउनलोड करना है एंडोस्कोप क्या है नैरो टेलीस्कोप टाइप ऑफ कैमरा सिंपल माइक्रोस्कोप या नॉन ऑफ दी इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन बनाई जल्दी ये क्या हो गया देखते देखते हाई रेट डेटा बहुत खर्च होता है नौकरी लगेगा सब डेटा वसूल लोगी ये सोचती का है नहीं हो डेटा बहुत खर्च होता है भाई साहब सारे क्लास करते हैं आपका कौन सा नेट है बताओ पाकिस्तान से तो नहीं लेकर आए हो नेट एंडोस्कोप क्या है एंडोस्कोप नन ऑफ दीज है यानी देख लो कितने गलती है सरस सुंदर सिंह नहीं है भैया एक चिकित्सा उपकरण है एक मेडिकल डिवाइस है क्या है मेडिकल डिवाइस है जिसमें एक लंबी पतली लचीली ट्यूब होती है जिसमें प्रकाश स्रोत और वीडियो कैमरा होता है एक वीडियो कैमरा होता है यानी एक मेडिकल डिवाइस है एंडोस्कोप क्या है एक मिड टेलीस्कोप है मतलब एंडोस्कोप से क्या दिखेगा हमारे बॉडी के अंदर का पार्ट दिखेगा टेलीस्कोप से तारे दिखेंगे तो हमारे शरीर के अंदर तारा है क्या जरा बताना हे भगवान क्या होगा चंद्रमा का पलायन वेग क्या है मून सिस्टम वेलोसिटी किस नाम से सर्च करेंगे दिव्या आप हमारे टेलीग्राम पे हो ना मैं अभी लिंक शेयर करूंगा क्लास के तुरंत बाद आप मेरे टेलीग्राम पे हो मैं अभी तुरंत लिंक शेयर करूंगा क्लास के बाद चंद्रमा का पलायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड ये पृथ्वी का पलायन वेग है ये पलायन वेग है भाई फिर से देखना क्वेश्चन पढ़ना पृथ्वी ये चंद्रमा पूछ रहा है कि पृथ्वी पूछ रहा है भाई ये एम फोर मून है ई फॉर अर्थ होता है तब अपनी आंखों को थोड़ा सा खोला करो मुझे लग गया कि मैं सोचता हूं कि मेरी आंखें खराब है लेकिन गलत बात है आपकी भी नयन आपके बीच में प्रॉब्लम है क्योंकि तो जब आप मून को अर्थ पढ़ सकते हो तो कुछ नहीं किया जा सकता पृथ्वी का प्लान वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड और चंद्रमा का प्लान वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है पर सेकेंड है ठीक है फैदोमीटर का आविष्कार किसने किया था हु इन्वेंटेड फैदोमीटर हर्बर्ट ग्रोव डोर से मोरिटर जैकोबी एच डब्ल्यू सी ले या इनमें से कोई नहीं क्वेश्चन नंबर ग्यारह हाँ केवल हंसना है बस अरे तो मोबाइल का रैम कम है तो उसे रिफ्रेश करो ना जितने सारे अनवांटेड जो फोटो रखा होगा उसकी का उसको डिलीट करो पैदोमीटर का आविष्कार किसने किया था हार्बर्ट ग्रोव डोरसे ने हर्बर्ट ग्रूव डोरसी ने फायदोमीटर से हम क्या मापते हैं गहराई मापते हैं क्या मापते हैं गहराई मापते हैं बिल्कुल याद रखना अब ये दोनों साहब हैं ये दोनों ने भी कुछ ना कुछ इन्वेंशन किया होगा आइए देखते हैं साहब ने क्या इन्वेंशन किया है तो फायदोमीटर एक उपकरण है जिसका उपयोग अल्ट्रासाउंड के माध्यम से पानी की गहराई को मापते हैं पानी की गहराई को मापते हैं जबकि हर्बर्ट ग्रूव डोरसी ने किसका तो सर ये फायदो मीटर का आविष्कार किया है फैदो मीटर का आविष्कार किया है और डोर उन्नीस 1926 में किया था जबकि इलेक्ट्रिक आयरन का आविष्कार एच डब्ल्यू सीले ने इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार मोहरिज जैकोवी ने किया है मैरु जैकोवी ने किया है ठीक है सवाल नंबर बारह सुपरसोनिक जेट की उड़ान का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है एयर पॉल्यूशन आई डिजीज डिपलटेशन इन ओजोन लेयर या इनमें से कोई नहीं सवाल नंबर जल्दी मनीषा जी आप हमारे टेलीग्राम पे हैं मैं वहां पे लिंक शेयर करूंगा मैं वहां भी लिंक शेयर करूंगा ठीक है वैभव सुबह वाली हमारी क्लास नहीं हुई थी इसलिए दिखा रहा होगा प्राइवेट तो सर ये ओजोन परत में हरास क्यों क्योंकि सुपरसोनिक जेट की बात करेंगे ये कहां उड़ान भरेगा ये उड़ान भरता है समताप मंडल में क्या करे भरा भरेगा उड़ान समताप मंडल में और ओजोन कहां मौजूद है नाइन्टी परसेंट तो ये सर समताप मंडल में मौजूद है तो क्या होगा ओजोन परत में हरास होगा ओजोन परत में हरास होगा बिल्कुल याद रखना वे जेट विमान जो ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने में सक्षम होते हैं उन्हें सुपरसोनिक जेट 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 विमान 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 कहते कहते हैं जेट कहते हैं सुपरसोनिक जो ध्वनि की गति से तेज उड़ान भरने में सक्षम होते हैं समताप मंडल की ऊंचाई पर उड़ते हुए वो नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं जो समताप मंडल में ओजोन की महत्वपूर्ण मात्रा को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं निम्न में से किसका उपयोग ओवन में किया जाता है जल्दी

माइक्रोवेव ओवन एक इलेक्ट्रिक ओवन है जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी रेंज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को उजागर करके भोजन को गर्म करता है यह भोजन रखी गई है नहीं भोजन को गर्म करता और पकाता है एक समुद्री मील निम्नलिखित में से किसके बराबर है अ नोटिकल माइल इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग वन पॉइंट फोर फोर एम मीटर वन एट फाइव टू मीटर या वन एट फाइव टू मीटर क्या होगा जल्दी सर अट्ठारह सो बावन मीटर होगा अट्ठारह सो बावन मीटर ठीक है यानी सर कहता है अब देखो ये दोनों एक ही ऑप्शन है ये दोनों या तो बी लगा दो या सी लगा दो बी लगा दो या सी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बी लगा दो या सी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोनों में एक सेम ऑप्शन है दोनों सेम ऑफ सेम ऑप्शन है ठीक है तो नॉटिकल मिल एक माप की इकाई है जिसका उपयोग हवा और समुद्री नेविगेशन दोनों में किया जाता है और साथ साथ क्षेत्रीय जल की परिभाषा के लिए क्यों कि हमारी बाउंड्री जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है ये श्रीलंका है तो हमारी बाउंड्री कहां तक है ये नॉटिकल माइल डिटरमाइन करेगा एक समुद्री मिल बराबर आठ अठारह सौ मीटर या ए वन पॉइंट वन पॉइंट सॉरी 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 एक मिनट रुकना बच्चे नहीं यार यहाँ किलोमीटर कर दो तब होगा किलोमीटर कर दो तब होगा ठीक है किलोमीटर कर दो तब होगा हां बिल्कुल 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 एक मिनट रुक जाओ बिल्कुल 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 बच्चे बिल्कुल हां यहां पे अगर मैं कर दू किलोमीटर यहां पे अगर मैं कर दो किलोमीटर तब सही होगा ठीक है हाँ बिल्कुल अलग है पॉइंट लगा है मुझे लगा पॉइंट नहीं लगा चलो ठीक है तो 1.852 किलोमीटर अगर मैं बात करूं समुद्री मिल की कितने समुद्री मिल तो 1.1508 मिल या 6076 फीट है ठीक है बच्चे तो ये था सेशन आज का कैसा लगा सेशन अगर अच्छा लगा हो कुछ नया सीखा हो तो लाइक करना कमेंट करना जरूर कमेंट्स करो तभी पता चलेगा सर कि आप सीखते हो या हम मैं सिखा पाता हूं या नहीं अगर आप फाउंडेशन कोर्स में जुड़ना चाहते हो मेरे साथ जहां मैं फाउंडेशन कोर्स पढ़ लेकर आया हूं दस जुलाई से तो आप ज्वाइन कर सकते हो अकेडमी पे और अभी पांच